सिंदरी सेल के टासरा प्रोजेक्ट से चोरी का कोयला लूटकर निकल रहे दो हाइवा को सेल के सिक्योरिटी गार्ड द्वारा पकड़कर पुलिस को सौंपा। कौसारा पुलिस दोनों गाड़ियों को जब्त कर ओपीलाई और छानबीन में जुट गई। सेल के टासरा प्रोजेक्ट से रात को बुधवार लगभग 8:30 बजे कोयला लोड कर निकल रहे दो हाइवा को सेल के सिक्योरिटी इंचार्ज ने टासरा प्रोजेक्ट के चेक पोस्ट के पास पकड़ लिया। सिक्योरिटीज गार्ड ने बताया कि कोयला लोड कर निकल रहे हाइवा चालकों से चालान मांगा गया तो बंगले झांकने लगे। सेल के सिक्योरिटी इंचार्ज ने तत्काल गौशाला ओपी प्रभारी को चोरी का कोयला लोड कर निकल रहे दोनों हाइवा के बारे में तत्काल सूचित किया। गौशाला ओपी प्रभारी विकास कुमार महतो ने दल बल के साथ सेल टासरा प्रोजेक्ट के चेकपोस्ट पर पहुंचकर दोनों हाइवा चालकों कोयले के बारे में पूछताछ किया। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर दोनों हाइवा को जब्त कर गौशाला ओपी लिया। गौशाला ओपी प्रभारी ने बताया कि जब्त किए गए हाइवा का नंबर GS NA K8740 तथा JS NA X4944 है। उन्होंने बताया कि दोनों हाइवा के चालकों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और पूछताछ की जा रही है। गौशाला ओपी प्रभारी ने बताया कि दोनों हाइवा लोडेड है, वजन नहीं हो पाया है, परंतु दोनों हाइवा पर 36 से 40 टन कोयला लोड है। ब्यूरो टेस्ट जनमानस समाचार। देखिए, हमको सूचना मिला यहाँ पर, हमारे ग्रामीण लोग बताया हमको कि यहाँ दो ट्रक पकड़ाई है जिसका पास चलान नहीं है, ना यहाँ पर एंट्री पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, घटनास्थल पे हम जब आए तो देखे दो गाड़ी खड़ी थी और उससे पहले पसंद पहुँच चुकी थी यहाँ पर, और इसके जो ड्राइवर जो हेल्पर है जो भी है इसको वहाँ ओपी ले जा चुका था, और उसके बाद में फिर प्रभारी आए यहाँ पर ही और एक गाड़ी शार्ट कर ले वो भी चली गई। एक गाड़ी की चाबी नहीं मिल रहा था जिसका चाबी हम ही बना के दिए, तार से स्टार्ट हो गया था मालूम है हमको, तो गाड़ी में हम काम किए इसलिए हमको जानकारी है, तो वो दिए फिर चालू हुआ अभी गाड़ी, और अभी ट्रक जो है यहाँ से जा चुकी है। कैसे आपको पता चला कि ये मतलब गाड़ी में चला? पर यहाँ पर जो चलान बाबू वही से ही पता किया, इसी बताया यहाँ पर जो रहते हैं गार्ड रहते हैं वही बताया नहीं है कुछ है और ना इसके पास पास है कुछ नहीं है, ना कांटा भी, गाड़ी कांटा भी नहीं हुई है। ना इसका खबर नहीं है, गाड़ी नंबर है, गाड़ी नंबर मिला है पुलिस की तरफ से कुछ वैसा तभी कुछ बता नहीं रही है, तभी जांच होगा। अपना परिचय दे दे। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार सिंह हुआ। कुछ लोगों ने अभी हमको फोन किया थोड़ी देर बाद गाँव वाले में, बोला कि यार दो गाड़ी जो की माइंस से निकल के बाहर निकल रहे हैं, लेकिन उनके पास ना कांटा हुआ ना कोई पेपर है उनके पास। हमने आए खुद, हम देख रहे हैं कि गाड़ी यहाँ ऑलरेडी खड़ा है जो कि इनके पास कोई पेपर भी नहीं है। आए दिन ऐसे दिन कुछ दिन पहले भी दो गाड़ी पकड़ाए थे बिलियापुर में, जो कि उस समय कुछ पेपर लगा के लोग बताया कि नहीं मेरा ये चोरी की गाड़ी नहीं है, लेकिन आज तो मैंने खुद देखे कि गाड़ी यहाँ ऑलरेडी, जो कि गाड़ी दे परिवार का जो ये है, इसका ट्रांसपोर्टर जो कि लक्की सिंह है, इतना मालूम है कि लक्की सिंह इसका ट्रांसपोर्टर है। ये लोग पर डे जो कि दो गाड़ी चार गाड़ी डेली ये लोग निकालते हैं यहाँ चलते रहते हैं। जिला प्रशासन यह सभी का कमी है, प्रशासन भी इसमें मिली भगत है और मैनेजमेंट भी है और ठेकेदार भी है, तीनों का मिली भगत। क्या मांग करते हैं? अब देखिए मांग नहीं बता सकते हैं, गाड़ी यहाँ पकड़ा है, प्रशासन भी आए, प्रशासन अभी गाड़ी को लेके थाना में चले जाए। क्या नाम हुआ आपका भैया? मेरा नाम हुआ मीर मंडल, मैं यही कह रहने वाला अभी ओपन कास्ट परियोजना से। रुके, आपको भी आधा घंटा पहले क्या घटना है अनिल? अभी आधा घंटा पहले हमें पता चला कि टासरा ओपन कास्ट परियोजना से दो हाइवा कोयला लोड होके बाहर जा रहा था, जो सिक्योरिटी गार्ड ने यहाँ चेक पोस्ट में पकड़ा। ये जानकारी होने के बाद हमने अगल बगल के लोगों को, गांव वाला को सूचना दिया। सूचना देने के बाद सभी लोग जुटा है, गाड़ी पकड़ा है, शायद एक गाड़ी इसमें से थाना जा चुका है, एक गाड़ी यहाँ पर खड़ा है, और इसमें मैनेजमेंट का लोग और ट्रांसपोर्टर सब मिलीजुली करके ही सब काम कर रहा है। डेली दो गाड़ी तीन गाड़ी हो रहा सुनने में। इससे पहले भी एक बलियापुर में दो गाड़ी पकड़ाया था,
जो वहाँ बलियापुर लोकल थाना में केस भी हुआ था, और हमको लगता है आए दिन ये सब घटना मैंने प्राय चलते ये कुछ है क्या सर। हम लोग को आज तक हम लोग को ये भी पता नहीं चला क्या कि ना हम लोग का पीछे साजिश करने वाला है कौन, क्या ऐसा साजिश करता कौन है, बस इसका जानकारी पता चल जाए। दो सब सूचना मिला था कि कोई मतलब बिना पेपर का गाड़ी निकल रहा है, दो गाड़ी, उसका सत्यापन के लिए हम यहाँ से निकले तो देखे कि सही में दो गाड़ी है, और ज़्यादा दूर ने माइंस के ही जस्ट बगल क्रॉस किया था, दोनों को रोका गया और कुछ गार्ड के सहयोग है जो वहाँ पे होमगार्ड रहते हैं उनके सहयोग से गाड़ी को। सर आए दिन यहाँ छोड़ नहीं, छापामारी तो हमारा कंटिन्यू हो रहा है, छापामारी हर दिन हम लोग करते ही हैं, तो केस उस पर होता ही है। ग्रामीणों ने पुलिस के द्वारा ही कुछ ग्रामीणों का भी सहयोग है सर, दो पक्षों में जो है सर जमकर मारपीट लाठी डंडे चले, पत्थरबाजी हुई है, इसका कुछ सर वीडियो हम लोग के पास उपलब्ध है, उपलब्ध है सर, वो मारपीट की घटना हुई है बड़े पैमाने पे हुई है, कई गाड़ी में तोड़फोड़ भी की गई, कई वाहन दर्जनों वाहन क्षतिग्रस्त है सर। अभी हम जस्ट वहाँ गए अभी, तो अभी कुछ ऐसा नहीं था, एक गाड़ी था मोटरसाइकिल, कुछ लड़का लोग जो है कि पुष्टि नहीं हो पाया, चूंकि बोल रहे थे कि जो ट्रांसपोर्टर है उनको बुलाइए या मालिक को बुलाइए, तो अभी तुरंत जानना मुश्किल है ना कि गाड़ी का मालिक सर किसका ट्रांसपोर्टिंग चल रहा था, किसी का आदमी जो है कि नहीं आने दे रहा था, नहीं है वो क्यों नहीं आने देंगे ऐसा कुछ नहीं है। सिंदरी कांड से पुलिस जो है सबक नहीं ले रही है, आने वाले समय में जा रहे, इस पे क्या कहना है आपका? नहीं ऐसा नहीं है, हम लोग इस पे पूरी कड़ी नजर बनाए हैं, ऐसा नहीं है कि पुलिस इसमें संज्ञान नहीं ले रही है, आए दिन छापामारी हो रहा है, गिरफ्तारी हो रही है। आज जो गाड़ी दौड़ी पे होगी गाड़ी के मालिक पे होंगे, जो पता चला है किसका गाड़ी है किसका है तो अभी पता चलेगा, हम लोग चालक भी गिरफ्तार हुआ है, डीटीओ साहब से मंगवा लेंगे सर। गाड़ी चालक वगैरह गिरफ्तार हुआ, चालक खिलासी, चालक दो चालक गिरफ्तार हुए खिलासी है, टोटल तीन लोग हैं। क्या नाम है सर चालक? नाम अभी हम लोग FIR में उसको क्लियर करेंगे।